हा? क्या है ये? आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? आपको क्या चाय अपनी जान से ज्यादा प्यारी है? बेटा तुमको क्या हो गया? ऐसे कैसे व्यवहार कर रही हो तुम? वो इस घर की बहू है, वो क्या हमारे लिए चाय भी नहीं बना सकती? चाय ही थी, कोई विष घोल कर नहीं दे दिया उसने हमें? रंजना के हाथों से बनी हुई हर चीज इस घर के लिए और आपके लिए विष ही है। रंजना सिर्फ जहर घोलना और जहर उगलना जानती है। वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हम उसे अर्जुन की पत्नी नहीं मानते। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होता, दोनों पति पत्नी हैं और हम ये बात मान चुके हैं। और हाँ सुधा, तुम्हें एक बात और समझने की जरूरत है, तुम ऐसी नहीं थी, ये बात हमें पता है। अपनी ममता की वजह से तुम सच नहीं देख पा रही हो। खेल खेला जा रहा है तुम्हारे साथ सुधा, तुम इस खेल से बाहर निकलने की कोशिश करो, समझी? अब कभी इस तरफ है और कभी उस तरफ। हाँ, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए हम समझ ही नहीं पा रहे, पर आप एक बात समझ जाइए, हम अर्जुन और रंजना को एक साथ नहीं रहने देंगे। और हाँ, आज के बाद से उसके हाथ की बनी हुई कोई भी चीज खाने या पीने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा? ठीक, तुम कह रही हो तो ये बात हम तुम्हारी मानते हैं। आज से कुछ भी नहीं खाएंगे उसका बनाया हुआ, ये सिर्फ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं सुना, समझे? मम्मी जी,